Hi, the topic is genetic algorithm. In this video, I will cover the following points. In that, I will start my talk with the crossover operations, different type of crossover operations we will see, then mutation operations. Finally, I'll take a example, few example I'll take, and I'll show you how the fitness function will get generated. Then at last section of this video, I'll take an example from textbook. And I will solve this problem by the help of genetic algorithm. So let's start with the crossover. Crossover operations actually में जब हमारे पास में population generate हो जाती है, तो जब हमको next population generate करनी होती है, तो हम कोई भी दो parents select करते हैं by the help of the fitness function. और उन दो parents के बीच में एक crossover operation perform होता है. इस क्रॉसओवर ऑपरेशन के परफॉर्म करने का रीज़न है जिससे कि एक नई ऑफस्प्रिंग जनरेट की जा सके. इस क्रॉसओवर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़र डिफाइंड प्रोबेबिलिटी लेते हैं. प्रोबेबिलिटी का पर्पस यहाँ ये है कि सपोज दैट हमारे पास में यू नो 10 यू नो पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो 10 है, 10 क्रोमोजोम्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी हमें ये बताती है कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि किन्हीं दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉसओवर ऑपरेशन परफॉर्म होगा. डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसओवर ऑपरेशन है, वन पॉइंट क्रॉसओवर, टू पॉइंट, यूनिफॉर्म, अर्थमेटिक एंड ह्यूरिस्टिक. लेट्स सी वन बाय वन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन पॉइंट क्रॉसओवर. वन पॉइंट क्रॉसओवर में कोई भी एक रैंडम पॉइंट, सिंगल पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जाता है. जैसे कि अगर हमारे पास में ये पेरेंट वन की क्रोमोसोम है, ये पेरेंट टू क्रोमोसोम है, पॉपुलेशन में से कोई दो पेरेंट सेलेक्ट किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिटनेस, हम इन दोनों पेरेंट का कोई एक सिंगल पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं. वो पॉइंट इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी हो सकता है. तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट डिसाइड कर रखा है पेरेंट वन में भी, वही सेम पोजिशनल पॉइंट आपका पेरेंट टू में भी होनी चाहिए. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम जो इनके ये जो जीन्स हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, पेरेंट्स के जीन्स को. तो जैसे कि ये हमारा पेरेंट वन था और इस पॉइंट के बाद के जितने भी जीन्स हैं ये सारे के सारे जीन्स पेरेंट टू में चले जाएंगे और पेरेंट टू के इस पॉइंट के सारे जीन्स कॉपीड हो जाएंगे पेरेंट वन में. तो जैसा हमने देखा कि पेरेंट वन और पेरेंट टू से दो ऑफ स्प्रिंग जनरेट होंगे, ऑफ स्प्रिंग वन, ऑफ स्प्रिंग टू. तो स्टार्टिंग की जो वैल्यूज़ हैं 11011 यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे भी 11011 यहाँ पे भी वो सेम स्ट्रिंग है. बट जो ये बाद की स्ट्रिंग है वो आपस में इंटरचेंज हो गई है क्योंकि ये वन पॉइंट क्रॉसओवर था. इस पर्टिकुलर पॉइंट से सारी जीन्स इंटरचेंज हो गई. तो ऊपर की सारी वैल्यू ऑफ स्प्रिंग टू में आ गई, पेरेंट वन की सारी वैल्यू और पेरेंट टू की सारी वैल्यू ऑफ स्प्रिंग वन में चली गई. ये जो रेड कलर की जो लाइन थी ये एक्चुअली में वो पॉइंट है जो ये बता रहा है कि किस पॉइंट से हमने क्रॉसओवर परफॉर्म किया है. तो दैट इज़ दी वन पॉइंट क्रॉसओवर. नेक्स्ट आते हैं टू पॉइंट क्रॉसओवर. वही सेम टास्क, अगर हम दिए गए क्रोमोसोम में कोई दो पॉइंट डिसाइड कर लें, जो ये दो पॉइंट हमारे पेरेंट वन में हैं वही सेम पॉइंट्स हमको पेरेंट टू पे भी लेना पड़ेगा. तो ये दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेरेंट वन में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इस पोजिशन पे है और पेरेंट टू में पेरेंट वन में ही सेकेंड पॉइंट इस पोजिशन पे है. इसी प्रकार से पेरेंट टू में फर्स्ट पॉइंट इधर है और सेकेंड पॉइंट इधर है. अब करना क्या है हमें कि जो हमारा फर्स्ट और लास्ट पोजीशन होगा वो एज इट इज़ रहेगी और ये जो बीच की वैल्यू है इन दोनों पॉइंट की वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग वन और ऑफ स्प्रिंग टू है. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है ये दोनों सेम है, बस बट यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग टू की जो मिडिल वैल्यू थी इन दोनों पॉइंट की वो आपस में इंटरचेंज हो गई. तो ये हमारा टू पॉइंट क्रॉसओवर ऑपरेशन है. देन यूनिफॉर्म क्रॉसओवर की बात करें तो अभी तक जो हमने वन पॉइंट और टू पॉइंट में क्या किया, सेगमेंट पिक किया. जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू ये एक सेगमेंट हो गया. इसी प्रकार से अगर हम टू पॉइंट की बात करें तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ये सेगमेंट है वो आपस में इंटरचेंज हुआ. लेकिन जब हम यूनिफॉर्म क्रॉसओवर की बात करेंगे तो यहाँ सेगमेंट कॉपी नहीं होता, यहाँ पे जीन लेवल कॉपी होता है कि जीन पर्टिकुलर जीन लेवल पे. इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि यहाँ पे हमने आपसे बताया कि ये जीन लेवल पे परफॉर्म होता है, सेगमेंट लेवल पे नहीं होता है, जैसा कि हमने वन पॉइंट और टू पॉइंट में देखा था. साथ में इसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है जो मिक्सिंग रेशियो कहलाता है. तो चूंकि क्या है, हमें
जीन लेवल पे यू नो इंटरचेंज परफॉर्म करना है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमको एक प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कितने परसेंट जीन्स आपस में इंटरचेंज होंगे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने अच्छा ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लेनी, तो जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी 0.5 ले रख रही है, इट मीन्स क्या है, 50% जीन्स पेरेंट 1 में पेरेंट 2 के होने चाहिए और पेरेंट 2 में पेरेंट 1 के 50% जीन्स होने चाहिए। इस प्रकार से पेरेंट 1 और पेरेंट 2 आपस में मिलकर ऑफ स्प्रिंग 1 ऑफ स्प्रिंग 2 जनरेट करेंगे। हमने देखा यहाँ पे 50% जीन्स ऑफ स्प्रिंग 1 में पेरेंट 1 के हैं और 50% पेरेंट 2 के हैं। इसी प्रकार से ऑफ स्प्रिंग 2 में भी 50% जो जीन्स हैं वो पेरेंट 1 के और 50% पेरेंट 2 के हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.5% थी। नेक्स्ट है अर्थमैटिक क्रॉसओवर ऑपरेटर। अर्थमैटिक क्रॉसओवर ऑपरेशन में हम देखते हैं कि कैसे ऑफ स्प्रिंग 1 और ऑफ स्प्रिंग 2 जनरेट होती है। ऑफ स्प्रिंग 1 के जनरेट होने के लिए हमने जो जनरेशन क्रोमोजोम है उसको 50-50% में बांट दिया, तो 50% जो क्रोमोजोम होंगे वो ए क्रॉस पेरेंट 1 से आएंगे और जो 50% 1 - A क्रॉस पेरेंट 2 से आएंगे। यहाँ पे ए जो है हमारा एक रैंडम वेटिंग फैक्टर है जिसकी वैल्यू कुछ हमें चूज़ करनी होती है, जो 0 से 1 के बीच में कुछ भी चूज़ की जा सकती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि ए की वैल्यू 0.7 है। इसी प्रकार से ऑफ स्प्रिंग 2 में जो 50% स्टार्टिंग के जीन्स होंगे वो 1 - A क्रॉस पेरेंट 1 से होंगे और जो रेस्ट ऑफ द 50% होंगे ए क्रॉस पेरेंट 2 से होंगे। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा पेरेंट 1 ये है जिसकी वैल्यू पेरेंट 1 के जो क्रोमोजोम है उसमें जो जीन्स वैल्यू है, तो फर्स्ट जीन 0.3, सेकंड 1.4, नेक्स्ट 0.2, नेक्स्ट 7.4, सिमिलरली पेरेंट 2 हमारे पास में है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इनका कैसे ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगे। तो ये एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया हुआ है कि ए की जो इनिशियल वैल्यू है वो है ए इक्वल टू 0.7 और पेरेंट 1 की वैल्यू ये लिखी हुई है और पेरेंट 2 0.5, 4.5, 0.1 एंड 5.6 है। अब हमें ऑफ स्प्रिंग जनरेट करने हैं, ऑफ स्प्रिंग 1 एंड ऑफ स्प्रिंग 2। तो जैसा मैंने अभी बात की कि ऑफ स्प्रिंग 1 कैसे जनरेट होगा, तो ऑफ स्प्रिंग 1 में भी डेफिनेटली 4 जीन्स होंगे, 1, 2, 3, 4, यही सेम 4 पोजीशन पर हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी प्रकार से ऑफ स्प्रिंग 2 में हमको 4 पोजीशन पे वैल्यूज जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम पहली पोजीशन में क्या वैल्यू आएगी, अभी हमने फॉर्मूला देखा, वापस रिकॉल कराता हूँ ऑफ स्प्रिंग 1 के लिए। ए क्रॉस पेरेंट 1, इट मीन्स ए की वैल्यू 0.7 है, तो पेरेंट 1 की जो वैल्यू है उसकी पहली वैल्यू में ए क्रॉस होगा, जितनी भी आपकी पेरेंट 1 की वैल्यूज हैं उसमें ए का क्रॉस होगा, और जितनी भी आपके पेरेंट 2 की वैल्यू है उसमें 1 - A क्रॉस होगा। इट मीन्स अगर ए की वैल्यू 0.7 है तो 1 - A 0.3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो हमने लिखा जीन 1 0.7, इट मीन्स ए क्रॉस पेरेंट 1, पेरेंट 1 की वैल्यू क्या है 0.3 है, प्लस 0.3 ये है आपका 1 - A, इट मीन्स 1 - 0.7 दैट वॉज 0.3 क्रॉस पेरेंट 2, पेरेंट 2 की वैल्यू कितनी है 0.5। जब ये पूरा ऑपरेशन इट मीन्स 0.7 क्रॉस 0.3 प्लस 0.3 क्रॉस 0.5 करेंगे तब हमें जाके जीन 1 की वैल्यू आएगी, और जब ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो हमें 0.36 मिलता है, जो ऑफ स्प्रिंग 1 की फर्स्ट पोजिशन पर मिल गया। इसी प्रकार से अब हमें जीन्स 2 कैलकुलेट करनी है, जीन 2 कैलकुलेट करनी है, तो दैट्स वाई सबसे पहले ए क्रॉस पेरेंट 1, ए की वैल्यू थी 0.7, पेरेंट 1 की वैल्यू अब है 1.4, देन प्लस 0.3, इट मीन्स 1 - A क्रॉस पेरेंट 2, पेरेंट 2 की वैल्यू यहाँ पे है 4.5। जब हम इस पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.33। सिमिलरली हमें 0.17 और इसी प्रकार से हमें 6.87 हमें बाकी की वैल्यू मिल जाएगी और हमारा ऑफ स्प्रिंग 1 कैलकुलेट हो जाएगा इस पूरे के पूरे पोर्शन से, जीन 1, 2, 3, 4। अब अपन बात करते हैं ऑफ स्प्रिंग 2 की। जब ऑफ स्प्रिंग 2 में अपन देखते हैं कि जीन 1, अच्छा हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला फिर से मैं थोड़ा रिकॉल करा दूँ आपको, ऑफ स्प्रिंग 2 कैसे कैलकुलेट होगी। अब जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा, अब ये 1 - A जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, तो 1 - A क्रॉस पेरेंट 1 प्लस ए क्रॉस पेरेंट 2। सो 1 - A 0.7, सॉरी 1 - 0.7 दैट इज 0.3, 0.3 मल्टीप्लाई बाई पेरेंट ए की वैल्यू 0.3 प्लस ए 0.7 इनटू पेरेंट 2 या पेरेंट 2 सॉरी, तो 0.5। ये पूरा का पूरा जब आप ऑपरेशन कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.402। इसी प्रकार से जीन 2 पे आते हैं, 1 - A 0.3 क्रॉस पेरेंट 1 1.4 प्लस ए 0.7 क्रॉस पेरेंट 2 4.5, पूरा कैलकुलेशन करने पे 2.981 मिलेगा, और इस प्रकार से हमारा ये ऑफ स्प्रिंग 1 ऑफ स्प्रिंग 2 ये सारी वैल्यूज़ जनरेट हो जाएंगी।
नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक क्रॉसओवर ऑपरेटर। ह्यूरिस्टिक क्रॉसओवर ऑपरेटर में होता है ऑफस्प्रिंग वन जो जनरेट होगी बेस्ट पेरेंट। बेस्ट पेरेंट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या जब हमारे पास पॉपुलेशन होगी हम सबकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो फिटनेस वैल्यू में जिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की या इंडिविजुअल की जो फिटनेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो हमारा बेस्ट पेरेंट माना जाएगा। तो बेस्ट पेरेंट प्लस आर, आर एक रैंडम वैल्यू है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इनटू बेस्ट पेरेंट माइनस वर्स्ट पेरेंट, जिसकी भी फिटनेस वैल्यू सबसे कम होगी वो वर्स्ट पेरेंट माना जाएगा। इसी प्रकार से ऑफ स्प्रिंग टू जो है वो हमारा बेस्ट पेरेंट की सारी वैल्यूज़ होंगी। इसमें एक समस्या आती है, चूंकि यहाँ पे हम ऑफ स्प्रिंग वन में हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ इसको आर से मल्टीप्लाई किया जो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इट मे बी पॉसिबल कि समटाइम्स जो आर की वैल्यू है इससे मल्टीप्लीकेशन करने पे ये जो बाउंड्री है डेफिनेटली इसकी एक अपर बाउंड होगा एक लोअर बाउंड होगा, उस बाउंड्री के बीच में सारी वैल्यूज़ हो रही होंगी। तो जब हम उसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि ये हमारी अपर बाउंड या लोअर बाउंड बाउंड्री से बाहर चली जाए इसकी वैल्यू। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला कि एक पैरामीटर लिया एन, इट मीन्स हम इस ऑपरेशन को एन टाइम्स परफॉर्म करेंगे। अगर एन टाइम परफॉर्म करने पे भी हमें कोई फिजिबल क्रोमोसोम नहीं मिलता है तो हम इसी ऑफ स्प्रिंग वन को ही एक वर्स्ट क्रोमोसोम या वर्स्ट पेरेंट मान लेंगे ऑफ स्प्रिंग वन को। नेक्स्ट ऑपरेशन है म्यूटेशन। म्यूटेशन ऑपरेशन क्या है, जो हम जेनेटिक ऑपरेशन है उसकी डायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए म्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि किसी दिए गए क्रोमोसोम के किसी रैंडम जीन को उसकी वैल्यू को चेंज कर देना, यही आपका म्यूटेशन ऑपरेशन कहलाता है। यहाँ पे भी हम यूज़र डिफाइंड प्रोबेबिलिटी लेते हैं, जैसे कि इनिशियली माना जाता है 0.01 जो कि एक गुड च्वाइस है कि ये म्यूटेशन ऑपरेशन के लिए है। इट मीन्स हम म्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करें या ना करें या कितना करें या कितने चेंजेस कितने बिट में होगा या होने के चांसेस क्या हैं वो हमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहाँ पे बताता है जो कि यहाँ पे 0.01 है। तीन टाइप के यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे म्यूटेशन, कई सारे हो सकते हैं लेकिन बेसिकली ये तीन हैं, फ्लिप बिट है, इंटरचेंजिंग है और रिवर्सिंग है। चलिए देखते हैं। तो फ्लिप बिट में जब हम बात करते हैं तो चूंकि अगर हमने अभी बाइनरी इनकोडिंग ले रखी है तो दैट्स वे जहाँ पे वैल्यू 0 है उसको 1 कर देना है या फिर जहाँ पे वैल्यू 1 है उसको 0 कर देना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी ओरिजिनल ऑफ स्प्रिंग 1 ये है और ओरिजिनल ऑफ स्प्रिंग 2 है। तो जब हमने यहाँ पे फ्लिपिंग परफॉर्म की तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि म्यूटेड ऑफ स्प्रिंग 1 में हमने यहाँ पे पहले वैल्यू सब यहाँ पे 1 थी जो कि अब फ्लिप होने के बाद में 1 0 हो गई है। इसी प्रकार से अगर म्यूटेड ऑफ स्प्रिंग में देखें तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू पहले 0 थी जो कि अब 1 कर दी गई है और यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 थी जो कि अब 0 कर दी गई है। यहाँ पे आपने देखा कि म्यूटेशन 1 टाइम हुआ और यहाँ 2 टाइम हुआ, यही जो है ये डिपेंडेंसी आपकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है कितनी प्रोबेबिलिटी हमने ली है म्यूटेशन ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट इंटरचेंजिंग देखा जाए तो लेट सपोज ये हमारे पास में एक ऑफ स्प्रिंग जनरेट हुई है, जब इसमें इंटरचेंजिंग परफॉर्म करनी है तो यहाँ पे हमने इन दो पोजीशन के बीच में इंटरचेंजिंग लगाई तो 0.2 7.4 की जगह पे हो जाएगा और 7.4 0.2 के प्लेस पे हो जाएगा। ये जो नया आपका म्यूटेड ऑफ स्प्रिंग है ये नीचे जनरेट लिखी हुई है। नेक्स्ट रिवर्सिंग, रिवर्सिंग के लिए हमको जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें कोई एक पॉइंट वन सेकेंड डिसाइड करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में अपन स्टोर कर देते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे ये एक पॉइंट है जो आपका डिसाइड किया गया कि जिसके बाद की सारी स्ट्रिंग को हमको रिवर्स करना है, तो यहाँ पे 1.4 0.2 7.4 है, रिवर्स ऑर्डर पे ये 7.4 0.2 एंड 1.4 हो जाएगा। तो ये नई आपकी म्यूटेड ऑफ स्प्रिंग जनरेट हो गई। ओके, लेट्स फोकस ऑन दी फिटनेस फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसमें कई बार क्वेरीज भी जनरेट होती हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का फिटनेस फंक्शन कैसे डिसाइड किया जाए। तो ये फिटनेस फंक्शन जो है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सल कोई फिटनेस फंक्शन हो जो सारी प्रॉब्लम्स में लग जाए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ प्रॉब्लम्स अपन लेते हैं और देखते हैं उनके फिटनेस फंक्शन कैसे डिजाइन किए गए। तो सबसे पहले हमने जो प्रॉब्लम ली हुई है वो ली हुई है जनरेटिंग सीक्वेंस की प्रॉब्लम, कि हमें क्या करना है कि एक सीक्वेंस जनरेट करना है जिसमें मैक्सिमम 1 होने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैक्सिमम 1 होने चाहिए। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इनिशियल पॉपुलेशन जनरेट करना। तो हमने सबसे पहले ये 4 इनिशियल पॉपुलेशन जनरेट की हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे टोटल 2 वंस हैं, यहाँ पे 3 वंस हैं, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 वंस हैं। तो हमारा ओवरऑल एम है कि ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है उसमें चूंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइव स्पेस है, 5 जीन्स हैं, इन सारे के सारे जीन्स में 1 आ जाए तभी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 हमें अचीव हो गया है।
तो अब हम यही पे सारा जेनेटिक ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे, और ओवरऑल हमारा एम होगा कि सारी पोजीशन पे वन हमें मिल जाए। सबसे पहले हमको इनकी फिटनेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली अब इसका फिटनेस फंक्शन क्या होगा, तो कॉमन है, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि जितने यहाँ पे नंबर ऑफ वन होंगे वही इसकी फिटनेस वैल्यू है। सपोज दैट यहाँ पे नंबर ऑफ वंस वन है, टू है, तो दैट्स वाई इसकी फिटनेस वैल्यू टू हो गई। यहाँ थ्री है, इसकी फिटनेस वैल्यू थ्री है। इसी प्रकार से यहाँ टू है, इसकी भी फिटनेस टू है, यहाँ पे भी इसकी फिटनेस टू है। तो दैट्स वाई फिटनेस फंक्शन कैसे जनरेट हुआ जनरेटिंग सिक्वेंस के लिए, कि जितने नंबर ऑफ वंस हैं वो कैलकुलेट कीजिए, वही आपका फिटनेस फंक्शन हो गया। इसमें जहाँ पे भी नंबर ऑफ वंस की संख्या ज़्यादा होगी वो उसका आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, नैपसेक प्रॉब्लम। नैपसेक प्रॉब्लम क्या थी कि एक चोर है, उसको चोरी करनी है, और उसके पास एक बैग है, उसकी सर्टेन कैपेसिटी है। चोर को चोरी इन सच अ वे करनी है कि जो उसकी लूट हो मैक्सिमम हो। जहाँ वो चोरी करने जा रहा है वहाँ कुछ नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए हैं, और उसके हर एक आइटम की कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, और उसका अपना वेट है, और वो बैग में उतना ही सामान रख सकता है जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी दी गई हो। तो इस क्वेश्चन का फिटनेस फंक्शन क्या होगा, डेफिनेटली उसको क्या मैक्सिमाइज करना था, चोर को उसको मैक्सिमाइज करना है कि उसका जो प्रॉफिट हो मैक्सिमम हो। अगर ये फ्रैक्शनल नैपसेक है तो व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमाइजेशन, एक्स आई पी आई फॉर ईच आइटम, आई इक्वल्स टू वन टू एन, इट मीन्स दिस इज द नथिंग बट द नंबर ऑफ आइटम्स। एक्स एक्स इज फ्रैक्शन एंड पी इज द प्रॉफिट। एक्स इज अ फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम एक्स आई, एंड पी आई इज द प्रॉफिट ऑफ पर्टिकुलर आइटम। ये जो ओवरऑल समेशन है इसका, ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। इन सेंस टू जो सब्जेक्टेड टू कंडीशन है कि जो बैग की कैपेसिटी है अगर वो डब्लू है, तो बैग में भरा गया आइटम एक्स आई डब्लू आई, एक्स आई इज द फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम एंड डब्ल्यू आई इज द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। वन टू एन जितने भी आइटम आपने लिए हैं उसकी संख्या वन टू एन कैलकुलेट है। इनका जो एडिशन है वो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। इन बात को ध्यान रखते हुए हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो यही आपका फिटनेस फंक्शन हो गया नैपसेक प्रॉब्लम के लिए। चलिए अगली प्रॉब्लम लेते हैं, एट क्वींस प्रॉब्लम। आप लोग फैमिलियर हैं, एडा में पढ़ा होगा। एट क्वींस प्रॉब्लम क्या है कि हमें 8x8 के चेस बोर्ड में 8 क्वींस को इस तरीके से सेट करना है कि कोई भी क्वीन एक दूसरे को क्रॉस ना करे। इसके लिए क्या 3 कंडीशन होती हैं कि कोई भी से मोर देन वन क्वीन सेम रो में, सेम कॉलम में, या सेम डायगोनल में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब इसके क्रोप सबसे पहली तो बात आती है इसकी पॉपुलेशन कैसे जनरेट करें, क्रोमोसोम कैसे बनाएं। तो ये हमने एक 8x8 का चेस बोर्ड लिया हुआ है। यहाँ पे हर एक किसी न किसी अगर ये हर एक कॉलम में हमने क्वीन को, किसी एक क्वीन को प्लेस किया हुआ, जैसे कि हमने पहले कॉलम पे क्वीन को 8th पोजीशन पे प्लेस किया, मैं नीचे से काउंटिंग चालू कर रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलम में हमने 6th प्लेस पे प्लेस किया हुआ क्वीन टू को, नेक्स्ट में 4th पोजीशन पे, नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट फर्स्ट एंड नेक्स्ट 3rd पोजीशन पे, नेक्स्ट 5th पोजीशन पे और नेक्स्ट 7th पोजीशन पे क्वीन प्लेस्ड हैं। ये जो पोजीशन है ये अगर आपको याद होगा तो ये परमुटेशन कोडिंग के अंदर आता है। परमुटेशन इन कोडिंग आपको मैंने बताया हुआ है, तो दैट्स वाई ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, जो पोजीशन है गिवन 8x8 के चेस बोर्ड में, यही आपकी इंडिविजुअल क्रोमोजोम होगा। तो ये सारी पोजीशंस नीचे लिखी हुई हैं, यही आपकी सारी कलेक्टिवली क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया, एक क्रोमोसोम बन गया। ओके, सो सपोज दैट हमारे पास में दो पॉपुलेशन है, C1 और C2। ये C1 जो निकाली गई है वो इस डायग्राम से ली गई है, और C2 की पॉपुलेशन इस डायग्राम से, जो कि हमें क्वींस की पोजीशन बता रहे हैं हर एक कॉलम में। अब इसकी फिटनेस क्या है, ऑब्वियस है हमारा एम क्या है कि कोई भी क्वीन एक दूसरे को क्रॉस ना करे। तो जितनी नंबर ऑफ नॉन अटैकिंग क्वीन होंगी वही हमारे उस सॉल्यूशन की फिटनेस वैल्यू होगी। जैसे कि अगर अपन कैलकुलेट करते हैं इस पहले डायग्राम के लिए, इस पहले डायग्राम में हम देखते हैं कि कितने पेयर एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, तो इट मीन्स उतनी ही उसकी फिटनेस वैल्यू कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वीन जो हमारा फर्स्ट कॉलम और 6th कॉलम की क्वीन आपस में क्रॉस कर रही है। फर्स्ट कॉलम में क्वीन हमारी Q1 यहाँ पे है, और जो 6th कॉलम है वहाँ पे हमारी क्वीन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस कॉलम में आप देखिए ये जो Q5 है ये डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है Q1 को, तो एक तो क्रॉसिंग यहाँ पे क्लैशिंग हो रही है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि 4th कॉलम और 5th कॉलम की क्लैशिंग है, तो ये 4th कॉलम या 5th कॉलम Q4 और Q8 आपस में क्रॉस कर रहे हैं। 4th कॉलम एंड 7th कॉलम, 4th कॉलम एंड 7th कॉलम, 5th, 6th, 7th, Q4 एंड Q6 आपस में क्रॉस कर रहे हैं। इस प्रकार से
अब ये जो वैल्यू है वो 28 में से टोटल थ्री जो हमारे पेयर्स थे जो आपस में क्रॉस कर रहे थे, इट मीन्स 25। अब ये 28 क्या है एक्चुअल में? सबसे पहले तो हमको एक इसका फंक्शन बनाना है। हमने ये तो देख लिया कि फिटनेस है नंबर ऑफ नॉन अटैकिंग पेयर्स, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है फिटनेस फंक्शन की? तो हमने 8x8 के चेस बेड में दो ही चेस बोर्ड में दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो क्रॉस करेगी या तो नहीं करेगी। तो 8c2 का हमने फॉर्मूला लगाया और हमें वैल्यू मिलती है 28, यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 28 है नॉन अटैकिंग पेयर्स की। अब उसमें से कितना आपस में अटैक कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि थ्री पोजीशन थ्री पेयर ऐसे थे जिसमें क्रॉसिंग हो रही थी, तो 28 में से थ्री माइनस किया 25। इट मीन्स ये जो क्वीन की पोजीशंस हैं, ये जो हमारा क्रोमोसोम वन है उसकी फिटनेस वैल्यू 25 है। इसी मैनर पे जब हम इस दूसरे क्रोमोसोम की जब फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में फोर पेयर ऐसे हैं जो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू हो गई 28 - 4 = 24। तो इसकी फिटनेस वैल्यू 24 हो गई और इस क्रोमोसोम सीक्वेंस की वैल्यू 25 हो गई। इट मीन्स C1 और C2 में C1 मोर फिटेड है। तो ये हमारा इस तरीके से फिटनेस फंक्शन हमने जनरेट किया 8 क्वींस प्रॉब्लम के लिए। अब एट लास्ट एट द एंड हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, और फिर देखते हैं कि ये कैसे सोल्यूशन जनरेट करता है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? हमारा प्रॉब्लम है हमको मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को कि f(x)= x²। एक्स की कोई वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम हमको निकालनी है x², यानी कि x² की जो वैल्यू है उसकी, उसको मैक्सिमम आना चाहिए। हमने यहाँ पे एक रेंज ली 0 से 31, यानी जो हमारी वैल्यूज़ हैं 0 से 31 के बीच में कोई भी हो सकती है, और हमारी जो भी वैल्यू यहाँ एक्स की प्लेस होगी उसके लिए x² की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि एक्स की वैल्यू को डिसाइड करना। एक्स की वैल्यू की जब हम बात करते हैं, तो चूंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि जेनेटिक एल्गोरिथम लगानी, तो कोई ना कोई इनकोडिंग टेक्निक लगानी पड़ेगी। इनकोडिंग टेक्निक लगानी पड़ेगी तो हम यहाँ पे बाइनरी इनकोडिंग ले लेते हैं सबसे सिंपल वे। तो जब हम 0 से लेकर 31 की वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो मैक्सिमम 5 बिट हमें मिलती हैं। तो हमने ये माना कि जो एक्स होगा हमारा, ये 5 बिट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो फिटनेस फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है fx की, वो हमारा ऑलरेडी गिवेन है हमारे क्वेश्चन में। तो हमने सब अब डिसाइड करना है कि कोडिंग टेक्निक कौन सी लगाएं। हमने कोडिंग टेक्निक डिसाइड कर ही रखी है कि बाइनरी इनकोडिंग लगाएंगे। बाइनरी इनकोडिंग लगाएंगे इट मीन्स हम 0 से 31 की वैल्यू को 5 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रैंडमली जनरेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन से। तो हमने क्या किया कि इन 5 बिट के चार, अब हमने अगर पॉपुलेशन जो साइज है वो 4 लेनी है, तो 4 कोई भी रैंडम बिट जनरेट कर दी। तो पहली क्रोमोसोम ये जनरेट हो गया 5 बिट का, दूसरा क्रोमोसोम जनरेट हो गया, तीसरा और चौथा। इस तरीके से ये रैंडमली जनरेट किए गए हैं। कोई भी हमने ले लिया 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0, 5 बिट के होने चाहिए बस। ये हमने रैंडमली कोई भी 4 सेलेक्ट कर लिए हैं, ये सिस्टम हमारा जनरेट कर लेगा। जब ये 4 रैंडमली जनरेट हो गए हैं, तो सबसे पहला काम है कि इनकी सबकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट कर दी जाए। तो फिटनेस वैल्यू बिट्स में तो चेक होंगी नहीं, तो दैट्स वाई हमको इसको पहले किसको डिकोड करना पड़ेगा और किस में इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो डिकोडिंग की प्रोसेस है ये हमारा फिनोटाइप कहलाती है। डिकोड फिनोटाइप्स कहलाता है और इनकोड जीनोटाइप कहलाता है। तो यहाँ पे जब हम 13 को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा जीनोटाइप कहलाएगा, और बिट्स को जब हम 13 में कन्वर्ट कर रहे तो ये हमारा फिनोटाइप्स कहलाता है। तो सबसे पहला काम तो है डिकोड करना। तो ये जो 4 रैंडम क्रोमोसोम जनरेट हुए थे उनको जब हमने डिकोड किया, तो 0 1 1 0 1 13 होता है, 1 1 0 0 0 24 है, 0 1 0 0 0 8 है, 1 0 0 1 1 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब इवेल्युएट करते हैं इनकी फिटनेस वैल्यू को। एक्स की पोजीशन पे हमें एक बार 13 को रखना है, फिर 24, फिर 8 और फिर 19। और हमने कैलकुलेट किया तो 13 का स्क्वायर है 169, 24 का स्क्वायर 576, 8 का स्क्वायर 64 और 19 का स्क्वायर है 361। अब हमें नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड काउंट निकालने हैं कि आखिर कितनी काउंटिंग होगी, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके आ सकते हैं एज पर देयर फिटनेस वैल्यू। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो एन क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, किसी इंडिविजुअल क्रोमोसोम की प्रोबेबिलिटी से जब हम एन को, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो चूंकि यहाँ पे हमने साइज ऑफ द पॉपुलेशन ली थी
फोर क्रोमोसोम जनरेट किए, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारी स्ट्रिंग नंबर हैं 1, 2, 3, 4 जो जनरेट हुई थी, यही वो स्ट्रिंग वैल्यू लिखी हुई हैं, 1 बाई 1 लिखी हुई हैं। फिर हमने इसको एक्स वैल्यू में कन्वर्ट किया, 01101 को कन्वर्ट किया, तो 13, नेक्स्ट को 24, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 19, ये करा हुआ देखा हुआ है। फिर हमने इनकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट की, जो भी आपको दिखाया, तो 169, 13 का, 24 का स्क्वायर 576, 8 का स्क्वायर 64, 19 का स्क्वायर 361 हुआ। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ, लेकिन फिर से समझा देता हूँ। क्या करेंगे, ये जितनी भी फिटनेस वैल्यू इन सबका एडिशन कर देंगे, तो टोटल एडिशन आया 1170। अब 169 डिवाइड बाई 1170 करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, इट मीन्स 14% प्रोबेबिलिटी है फिट है आपका यू नो क्रोमोजोम 1, 49% है क्रोमोजोम 2, 0.06% है 64, देन इसी प्रकार से 31% है 3 यू नो क्रोमोजोम 4। ये सब की अपनी प्रोबेबिलिटी PI की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको एक्सपेक्टेड काउंट का कैलकुलेट करना, तो एन क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, एन हमारा यहाँ 4 है, तो 4 क्रॉस 0.14, 4 क्रॉस 0.49, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ कैलकुलेट होकर आ गई। इन सारी वैल्यूज़ का जो एवरेज था, यानी ये जो हमारी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट हुई है, इनका जो एवरेज है 293 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें से है वो है 576। हम देख रहे हैं 576, यानी कि जो हमारा क्रोमोजोम 2 है वो इन सारे के सारे में से सबसे ज़्यादा फिट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो फिटनेस वैल्यू है सबसे ज़्यादा आई हुई है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये हमने पॉपुलेशन ली, पॉपुलेशन में से हर एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम की फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है क्रॉसओवर ऑपरेशन, तो क्रॉसओवर किन्हीं दो पेरेंट के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो एक तरीका तो यह कि रैंडम आप कोई भी दो पेरेंट सेलेक्ट कर लो, उनके बीच में क्रॉसओवर परफॉर्म कर दो, और एक तरीका तो यह है कि आप दो बेस्ट पेरेंट ढूंढो जिनका आपस में क्रॉसओवर परफॉर्म करना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ एक सोल्यूशन निकाला। क्या सोल्यूशन निकाला? ये सारी वही स्ट्रिंग है जो लिखी हुई है, जो हमने यू नो हमारी जो रैंडम पॉपुलेशन जनरेट हुई थी वही हैं, ये जो रैंडम पॉपुलेशन हमारी जनरेट हुई हैं, तो ये रैंडम पॉपुलेशन हमने यहाँ पे लिख दी चारों की चारों, उनकी सबकी जो प्रोबेबिलिटी निकली हुई थी वो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। इन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को हम देख रहे हैं, रेंज देख रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में है। तो हमने क्या किया, एक एसोसिएटेड बिन बनाया, एक हमने एक यू नो एक रेंज डिसाइड कर ली कि ये जो हमारा यू नो स्ट्रिंग है इसकी जो रेंज है 0.00 से 0.14। जनरली, बिल्कुल जनरल वे पे समझा रहा हूँ कि हमने ये माना कि पहली जो स्ट्रिंग है वो इस रेंज के बीच में आ रही है, 0.00 से 0.14, नेक्स्ट है 0.14 से 0.63, अगली जो रेंज है 0.63 to 0.69, 0.69 to 1। ये रेंज कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हो, चार हैं, आपको चार रेंज बनानी है 0 से 1 के बीच में, आप कोई भी इसका जो बीच की गैपिंग है वो कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करना है। तो हमने यहाँ पे रेंज जो डिसाइड की कि पहली की जो रेंज है, अच्छा इसका क्या पर्पज़ है वो भी आगे बात करेंगे। तो पहली रेंज 0.0 से 0.14, सेकंड रेंज 0.14 से 0.63, नेक्स्ट 0.63 to नेक्स्ट 0.69, और लास्ट रेंज 0.69 to 1 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए एक रैंडम नंबर जनरेट करना। सपोज दैट हमने अच्छा ये रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में जनरेट होंगे। सबसे पहला रैंडम नंबर हमने जनरेट किया 0.08 आया 0 से 1 के बीच में। तो जब 0.08 आया तो हमने इसको मैच किया इससे, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 0.08 है वो किस रेंज के बीच में आ रहा है। तो मैंने देखा ये जो 0.08 है 0.0 से 0.14 के बीच में आ रहा है, इट मीन्स पहली पोजीशन पे जो स्ट्रिंग आएगी वो 0101 आएगी। तो 0.08 हमारा सेलेक्ट जब हुआ था, रैंडम वैल्यू आई थी, तो हमारा ये 01101 चूंकि इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू ये थी, तो ये हमारी पहली पोजीशन पे आ गई। दूसरी रैंडम वैल्यू जनरेट की हमने 0.24, 0.24 को फिर से मैच किया कि भाई ये कहाँ पे आ रहा है। तो 0.24 हमने देखा कि ये 0.14 से 0.63 के बीच में आ रहा था, तो हमारी जो इससे एसोसिएटेड स्ट्रिंग थी 11000, ये हमने ले ली 11000। नेक्स्ट हमने फिर से रैंडम वैल्यू जनरेट की, तो नेक्स्ट रैंडम वैल्यू आई 0.52, फिर से हमने इसको मैच किया, 0.52 कहाँ आया, तो 0.52 जो आ रहा था वो आपका आ रहा था इसी रेंज के बीच में 0.14 से 0.63 के बीच में, तो इसकी एसोसिएटेड वैल्यू 11000 थी, ये हमने 11000 फिर से ले ली। फिर नेक्स्ट हमने रैंडम वैल्यू जनरेट की 0.87 आई, तो जब 0.87 आई फिर से हमने उसको मैच किया, देखा कहाँ ये एसोसिएट हो रही, तो ये 0.69 से 1 के बीच में एसोसिएट हो रही थी, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारी 10011 आ गई, और इसको हमने यहाँ पे चूज कर लिया।
अब ये हमने किस बेसिस पे चूज कर लिया, हमने एक डिसाइड किया, एक रेंज डिसाइड की, उसमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट की और उस बेसिस पे हमारी ये स्ट्रिंग सेलेक्ट होकर आ गई। अब इसमें हमको मीटिंग कैसे परफॉर्म करनी है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ की मीटिंग परफॉर्म कर देनी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड होगा तो 0 1 1 0 1, 1 1 0 0 0 की मीटिंग होगी, 1 1 0 0 0 एंड 1 0 0 1 1 की मीटिंग आपस में क्रॉसओवर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्रॉसओवर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 8वें नंबर पे, जो 8th नंबर पोजीशन पे, यहाँ पे हमने वही 0 1 1 0 1, 1 1 0 0 0 जैसा हमने अभी डिसाइड किया था, अब इनके बीच में हमको क्रॉसओवर करना है। अब क्रॉसओवर ऑपरेशन आपको मैंने कई सारे पढ़ा रखे हैं, तो यहाँ पे हमने सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर लिया हुआ है। तो ये सिंगल पॉइंट हमने डिसाइड किया सबसे लास्ट वाली वैल्यू के पहले, ये जो आपकी लाइन है रेड कलर की लाइन, ये हमने लास्ट पॉइंट के लिए डिसाइड किया हुआ है। तो जब इस जगह पे हम सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर परफॉर्म करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके पैरेंट टू में भी इसी सेम पोजीशन पे होगा। सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर में क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद के जो एलिमेंट होते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं पेरेंट्स के बीच में। तो यहाँ 1 था तो इस पेरेंट 2 में वो 1 0 की जगह 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे पेरेंट 2 की जो वैल्यू 0 है वो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगी। जब ये टास्क परफॉर्म कर देंगे तो देखिए 0 1 1 0 1 अब क्या हो जाना चाहिए, 0 1 1 0 0, क्योंकि ये 0 यहाँ पे 1 के प्लेस पे चला गया, देखिए ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 0 की जगह पे 1 आ गया था तो 1 1 0 0 1 हो जाना चाहिए, 1 1 0 0 1 यहाँ पे वैल्यू आ गई। यही सेम टास्क हम दूसरे शेयर के पेयर के साथ में परफॉर्म करेंगे तो हमें 1 1 0 1 1 मिल जाएगा और 1 0 0 0 0 ये वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से 4 नई पॉपुलेशन मिल गई। कौन कौन सी मिल गई, जो नया जनरेशन हो गया वो हो गया आपका 0 1 1 0 0, 1 1 0 0 1, 1 1 0 1 1, 1 0 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, इनकी भी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए इनकी भी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। ओके, ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई थी। अब देखिए वही जो नई पॉपुलेशन हमारी जनरेट हुई थी, ये सारी की सारी नई पॉपुलेशन यहाँ लिखी हुई है, जिन 4 जो अभी हमने नई जनरेट की थी। अब इनकी हमें फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगा, डिकोडिंग। डिकोडिंग के लिए 0 1 1 0 0 को डिकोड किया तो 12 आ गया, इसको डिकोड किया 25, इस स्ट्रिंग को डिकोड किया 27, लास्ट वाले स्ट्रिंग को डिकोड किया 16। फिर हमने इनकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट की, एक्स स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729 एंड 16 का स्क्वायर 256 हुआ। जब हमने इन सबको आपस में ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गई, नई जो टोटल सम मिल गया सारी फिटनेस वैल्यूज़ का 1754। और इसी प्रकार से हमने इनकी प्रोबेबिलिटी, यानी कैसे कैलकुलेट करते, 144 डिवाइड बाई 1754 करेंगे, इन सब का कितना पोर्शन है, प्रोपोर्शन है वो आ गया। एक्सपेक्टेड काउंट ये जो आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 0.082, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ 4 है अभी भी, ये मल्टीप्लाई किया और सारी वैल्यू जनरेट हो गई होंगी। अब देखिए ये जो 1754 है, अगर आपको याद होगा तो पिछली वैल्यू कितनी थी आपकी, ये थी 1170, फिटनेस टोटल एडिशन ऑफ फिटनेस वैल्यू था 1170, और अब कितना हो गया ये 1754, यानी कि हमने जब बेस्ट पेरेंट्स सेलेक्ट किए क्रॉसओवर और म्यूटेशन ऑपरेशन के लिए, तो हमारा जो फिटनेस वैल्यू है ओवरऑल सॉल्यूशन की और बढ़ गई। तो इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास में थी ये, आफ्टर साइकिल परफॉर्म, वन साइकिल परफॉर्म करने पे हमें क्या मिली, सॉरी, आफ्टर वन साइकिल न्यू पॉपुलेशन एट स्टेप 10 इज एट द इनिशियल पॉपुलेशन हमको मिल गई। ये जब हमको ये जो इनिश फाइनल आपकी पॉपुलेशन मिल गई यहाँ पे सामने लिखी हुई है, तो हमने देखा कि जो टोटल फिटनेस थी 1170 से 1754 हो गई, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखा जाए तो वो किसकी है, 1 1 0 1 1 की। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 27 है, एक्चुअल में हमें इसको मैक्सिमाइज करना था एक्स की वैल्यू को, तो दैट्स वाई 27 को जब मैक्सिमाइज किया तो मिला 729। तो इस प्रकार इस वाले सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है, 1 1 0 1 1 को। अब हालांकि अगर आप देखो तो इसको अप टू 31 चला सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब 31 का स्क्वायर करोगे तो मैक्सिमम आएगा,
तो इस रिपीटेशन को और बढ़ा दो आप, जनरेशन को बढ़ाते 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 जब इटरेशन बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये वैल्यू 31 भी हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कितने परसेंट एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपको समहाउ लिटिल बिट एक्यूरेसी में भी काम चल सकता है तो एक्स की वैल्यू 27 ये भी इनफ है, गुड सोल्यूशन है, आप इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए तो आप इटरेशन को चलाते रहो तब जब तक आपको एक्स की वैल्यू 31 ना मिल जाए। तो इस प्रकार से आप इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। और इस यहाँ पे आपने देखा कि जेनेटिक एल्गोरिथम ने कैसे आपको हेल्प की एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। इस पूरे वीडियो लेक्चर को कवर करने के लिए फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 3 मैंने इन रेफरेंसेस का यूज़ किया है, जिसमें से पहली बुक है जो प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग सेकेंड एडिशन है, इसको आप रिफ़र कर सकते हो। और दूसरा मैंने लेक्चर नोट्स लिए हैं डॉक्टर R.C. चक्रवर्ती जी के, इसको भी आप रिफ़र कर सकते हो कि आगे का आपको हेल्प मिलेगा जेनेटिक एल्गोरिथम को और बेहतर से समझने के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द जेनेटिक एल्गोरिथम। सो थैंक यू वन, थैंक यू एवरी वन।